हम लोग महाराष्ट्र आ चुके हैं। सिग्नल था हीट का, तो इसके लिए मैं चेक किया। सोमया यहाँ पर है। एक्चुअली इससे पहले हम लोग ने रिकॉर्ड किया था। 800 रुपया या 820 रुपये का पेट्रोल बैठा, तो ये लास्ट रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज होस्ट कार्तिक। कैसे आप सब लोग? आई होप सो एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी एनर्जी के साथ हम लोग निकले हैं टूवर्ड्स अवर होम टाउन डोंबिवली महाराष्ट्र। तो अरंबोल से निकल गए हम लोग, अभी जस्ट बाहर निकले, एंड गोवा का सीरीज यहाँ पर लास्ट वीडियो गोवा से। और नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली और वीडियोस आएंगे गोवा के, और एक्सप्लोर करेंगे गोवा को, बिकॉज गोवा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बट कैसा था पहले के इसमें, मुझे इतना नॉलेज नहीं था व्लॉगिंग का, तो उस वजह से ज़रा दिक्कत हो गई थी मुझे व्लॉग करने के लिए। बट ये टाइम कोई कसरत नहीं छोड़ा, जितना हो सके उतना ही ब्लॉग किया है और आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश की है मैंने और सोम्या ने। सो चलते हुए टूवर्ड्स अवर महाराष्ट्र बॉर्डर। अभी थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है, 14 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन है और छुट्टी भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। दो दिन बचा है, सोम्या का थोड़ा दिन बचा है छुट्टी। बट या एनीवेज, मुझे थोड़े टाइम के लिए सिर्फ नेविगेशन लगने वाला है यहाँ पर, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगेगा, बिकॉज निपानी से वैसे भी अपने को रास्ता पता ही है। सिर्फ अम्बोली घाट के यहाँ पे है ना कुछ टर्निंग्स होते हैं, अम्बोली घाट या सावंतवाड़ी के यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कौन सा क्या टर्निंग्स है बस। सो गाइज, हम लोग महाराष्ट्र आ चुके हैं। ये ब्रिज जो है ये बॉर्डर है बेसिकली गोवा और महाराष्ट्र का, पीछे बॉर्डर चला गया और काफ़ी सारे पुलिस चेकिंग चल रहा था। बेसिकली इलेक्शन चल रहा है इस वजह से, अभी एक आगे चेक पोस्ट रहेगा मेरे ख्याल से पुलिस का, तो वहाँ पे देखते हैं। हाँ, लेफ्ट पे ही है ना। तेरा का मोबाइल हीट हो गया। अभी कहाँ जाने का यहाँ से भाई? इधर। सो सावंतवाड़ी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, एंड काफ़ी इजीली पहुँच गए। रास्ता थोड़ा ख़राब था बिकॉज वो स्टेट हाईवे, मतलब इंटरनल रूट था, तो इस वजह से ख़राब था रास्ता। बाकी यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो अच्छा है। अभी आगे हम लोग को अम्बोली घाट लगेगा सावंतवाड़ी क्रॉस करने के बाद, तो है बीच में कुछ गांव है, बट अम्बोली गांव, अम्बोली घाट इज़ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट बेसिकली। तो देखते कितने टाइम में पहुंचेंगे करके। ये टाइम हम लोग को एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन था एक्सट्रीम नॉर्थ में रखा था, जिस वजह से हम लोग को ज़्यादा मतलब हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं आता है भाई, ये जंगल है। सो गाइस, वी आर एट अरंबोल घाट। अरंबोल बीच से आके अरंबोल ही कर रहा हूँ। ओके, सो वी आर एट अम्बोली घाट, एंड सोम्या बोल रही है कि सच में यहाँ पे लेपर्ड आते हैं क्या करके, तो कि लेपर्ड का सब फोटो डाला हुआ है एनिमल्स का अलग अलग, तो वही उसे बता रहा था कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पे जानवर तो आते ही है, एंड इट्स क्वाइट रिस्की हियर टू ट्रैवल। ओवरटेक मारना भी रिस्की है, इसके लिए मैं ज़्यादा ओवरटेक मार भी नहीं रहा हूँ। थोड़ा अच्छा स्पॉट मिला तो ही ओवरटेक मारूँगा, फिलहाल तो नहीं। व्यू देखो गाइस, अम्बोली घाट का व्यू। अमेजिंग सा व्यू है। फाइनली गोवा का अपन टर्निंग यहाँ पे आ गए। फाइनली ब्रो, गोवा वेस्ट पर हम जाएंगे सामने थोड़ा खाना अच्छा मिलता है। ब्रंच
लंच कर रहे हैं अभी हम लोग, तो भी पानी के यहाँ पर है। सो गोवा वेस्ट साइड का वहाँ से टर्न है अपने को गोवा के लिए। हम लोग बेसिकली हमेशा यहाँ पे ही रुकते हैं, अगर हम लोग को लंच एंड ऑल करना रहेगा तो। बेसिकली मैं तो यहाँ पे ही रुकता था, तो यहाँ पे रुक के नाश्ता करेंगे और यहाँ से अपन अपने घर पे। तो रास्ता तो थोड़ा बहुत ख़राब था ही, वैसे तो स्टेट हाईवे था, इंटरनल रोड्स जो थे थोड़े बहुत ख़राब थे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता है, नेशनल हाईवे अपना पूरा डोंबली तक, तो अपने को मालूम है कि रास्ता कैसा है वहाँ तक करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात का। अभी एक चीज़ मुझे ये हो रही है कि अपने को कोल्हापुर सातारा उस साइड में पूरा ट्रैफिक मिलने का ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज रात के टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि डाइवर्शंस थे। तो अभी पता नहीं, जाने के बाद समझेगा कि यहाँ से कोल्हापुर अराउंड 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के इस पे है। बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करेंगे, फिर देखते आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे तो घर पहुँचेंगे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-1 बजे के आसपास, तो रास्ते में मैं आपको अपडेट देते जाऊँगा। सो नाश्ता सब होके निकल चुके हैं हम लोग एंड 4 बज के गए आई थिंक। सो घर पहुंचने का टाइम 8 घंटे दिखा रहे, मतलब ऑलमोस्ट 12-1 बजे के आसपास पहुंचेंगे, बिकॉज कंटिन्यूस तो नहीं चलाने वाले हम लोग, रुक रुक के ही जाने वाले वैसे तो। ये भाई चेक पोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर के। सो फ्लो में जाना है सिर्फ, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से जाना है इसमें। कार भी सब निकला हुआ, सब कहीं से भी जा सकते हो क्या? यहाँ पे टेस्टिंग क्या सब पूछते हैं शायद। वैसे महाराष्ट्र के इसमें कुछ नॉर्म्स सब एक ही है शायद से ना, अपने इसमें इतना पूछते नहीं है लगता है, सिर्फ कर्नाटक के इसमें पूछते हैं मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि चेकिंग तो यहाँ पे ही होता है ना। ओके वी आर ऑफिशियली एंटरिंग महाराष्ट्र। ओके ओके ओके, मुझे वो ज़रा कन्फ्यूज लगा बिकॉज उन लोग ने नया ऐसा चेक पोस्ट कुछ बना के रखा था। आई डोंट नो वहाँ पे चेकिंग होता है या फिर आगे चेकिंग होगा अपना महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे। मेरे ख्याल से वो पीछे जो गया वही रहेगा। सभी हम लोग कोल्हापुर का जो टोल नाका है वो क्रॉस किए हैं एंड अभी यहाँ से कुछ अराउंड 400 किलोमीटर का जर्नी है टूवर्ड्स नगर। एंड या स्पीड का अपना मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, बेसिकली एवरेज स्पीड जो है 75-80-90 के आसपास हम लोग चलते हैं। सो मैं यहाँ पर है एक्चुअली इससे पहले आप लोग ने रिकॉर्ड किया था, बट ऐसा है मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐसा समझता नहीं है, तो मैं फ़ोटो नहीं डाल रहा, मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। ट्रैवलिंग करते हैं तभी अपने को ठंडी का टेंशन नहीं है, बैठने का मतलब दुख रहा है, बम दुख रहे हैं, मजबूत दुख रहा है वो भी, एक थोड़ा टाइम चलाओगे तो दुखना स्टार्ट हो जाता है। बाकी लास्ट टाइम जब भी रात को आ रहे थे हम लोग को ठंडी का इश्यूज हो रही थी हम लोग में, ख़ास करके ये जो रोड है ये पूरा फॉग से भरा हुआ था, तो एवरेज स्पीड तो कम हुआ ही था और ऊपर से ठंडी अलग से लग रहे थे। आपने प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा, पूरा मैंने नहीं डाला था उसमें, बट एनी हाउ अभी और मेरे ख्याल से 7-6 घंटे का रास्ता रहेगा मेरे ख्याल से। अभी देखा नहीं मैंने मैप में, बिकॉज मैप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये रास्ते में, बस ऑलरेडी नोन रोड है तो इसीलिए। और गाड़ी की हालत कुछ इस तरीके से है, पूरा लाल मिट्टी से भरी हुई है, लूप करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, इसको मैं डबल स्टैंड में डाल नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरा जो ये हाथ है राइट हैंड है, राइट हैंड में स्क्रेन है, स्क्रेन की वजह से जैसा उठाने को हो नहीं रहा है, दुख रहा है मेरा रिस्क, दुख रहा है ज़्यादा करके। तो देखते आगे अगर हुआ तो करने ट्राई करूँगा लूप पर, बस अभी ऑलरेडी तो लूप्ड है चेन अच्छा खासा, तो और चलेगी गाड़ी अच्छी खासी लूप पे। तो एनीवेज अभी फटाफट निकलते हैं एंड देखते, मोटो ब्लॉगिंग हुआ तो मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा। सो या लेट्स कंटिन्यू एंड सोम्या अच्छा गुस्सा वाली करते हो अम्पटी डम्पटी वाला अच्छा गुस्सा ऑल फेल डाउन, उसका पेन एक पैर जो है एकदम नंब हो गया तो उसकी वजह से गिर रही है, पहले भी गिरती थी अभी तो अच्छा खासा ऑप्शन मिला उसको, मतलब रीज़न मिला, ऑप्शन नहीं रीज़न मिला है गिरने का। सो गाइस अभी हम लोग सातारा के पास में, ऑलमोस्ट पास में अभी कराड़ सब क्रॉस किया है,
तो सातारा इज अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे जस्ट ऐसे रुके थोड़ा बहुत जुगाड़ करने के लिए, तो जुगाड़ आपको दिखेगा नहीं। क्या हो रहा है कि बम दुख रहा है ना, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा लगा के रख रहा हूँ सीट में थोड़ा बहुत। थोड़ा लाइट आया तू दिखता रहे। सो एनी वेज फटाफट मूव करते एंड मोटो ब्लॉगिंग करते थोड़ा। चलो हे गाइस, सो अभी जस्ट हम लोग को सातारा सब क्रॉस किया है एंड या वी आर ऑलमोस्ट 131 किलोमीटर्स अहेड फ्रॉम आवर लास्ट फ्यूल स्टॉप। एंड एवरेज जो स्पीड है अपने गाड़ी का वो है अराउंड 85-190 के आसपास का अपना एवरेज स्पीड है। अभी तक ठंडी तो कुछ बढ़ी नहीं है तो एक अच्छी बात है। बस ठंडी जो अपने को मिला था वो था कोल्हापुर साइड में, तो कोल्हापुर तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो अभी उतना ठंडी आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ऑल गुड राइट नाउ एंड 5-6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 12-1 बजे का टाइमिंग है घर पहुँचने का। तो या ये भाई साहब ये गाड़ी देखो, दोनों आपको दिख रहा होगा क्या, गाड़ी घंटा समझ में भी नहीं आता है, लाइट वीट सब गए हैं। काहे को चला रहा है भाई गाड़ी ऐसा अंधेरे में, NH में आप गाड़ी चलाओगे भाई साहब, कोई अगर ओवर स्पीडिंग व्हीकल रहेगा ना उड़ा देगा सीधा इसको आके, फिर क्या आप कोसोगे किसको, ड्राइवर को जिसने उड़ाया उसको। हे गाइस, सो वी रीच्ड पुणे, पुणे के पास में एक्चुअली, पुणे अभी तक एंटर नहीं किया है, पुणे एरिया में ही आता है। तो अभी रिफ्यूलिंग किया है अपना गाड़ी का पेट्रोल पंप से इंडियन ऑयल, 800 रुपये या 820 रुपये का पेट्रोल बैठा, तो ये लास्ट रहेगा फ्यूल स्टॉप। इसके बाद डायरेक्ट अपन घर पे एंड ऑलमोस्ट यहाँ से 190 किलोमीटर समथिंग रहेगा। सो मैं अभी वॉशरूम गई है तो क्या फटाफट निकलते एंड उसके बाद मिलते क्या है सी। रीच पनवेल एंड 12 बज के गए रात के। क्लाइमेट ठंडा तो है बॉस, अच्छा खासा ठंडा है, ठंडा तो है गाइस, अच्छा खासा ठंडा है। अंदर मैंने थर्मल लाइनर भी पहना है बिकॉज मेजॉरिटी मेरा रात का राइड रहेगा और ठंडा क्लाइमेट भी है बहुत, तो सोचा कि क्यों ना थर्मल लाइनर कैरी किया जाए। बट थर्मल लाइनर कुछ काम का नहीं है बिकॉज पहनने के बाद भी भाई ठंडी तो लगी रही है, कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली रात के टाइम पे ना राइड काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा सब सिचुएशन के लिए, जैसे कि ठंडी है, विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी का मुझे ये टाइम कोई इशू नहीं हुआ था, ऑल सॉर्टेड। ठंडी का एक काफ़ी इशू हो रहा था और बैठने का भाई बम की तो बम बम हो गई। तो अभी फटाफट घर पहुंचते, फिर देखते हुआ तो बात करेंगे, नहीं तो अगले दिन मिलेंगे।